पीछे देखो कौन है। फुल एक्सीलेटर पर है, गाड़ी नहीं बढ़ रही आगे, नहीं बढ़ रही। भागो। देख, देख बालवीर, वहीं रुक जा, वरना वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। अच्छा, देखते हैं अभी। थैंक यू बालवीर, थैंक यू, थैंक यू बालवीर। अरे बच्चों, आप सबको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। हाँ बिल्कुल, कृष्ण जी की तरह। कृष्ण जी की तरह? हाँ, दोस्तों के दोस्त कृष्ण जी, बुराई को हराने वाले कृष्ण जी। वैसे ही तुम भी दोस्तों के दोस्त हो और हमारी रक्षा भी करते हो, तो हुए ना तुम बिल्कुल कृष्ण जी की तरह। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमारे कृष्ण लीला में तुम कृष्ण क्यों नहीं बनते। हाँ, है ना। लेकिन सर ने कृष्ण जी बनने के लिए बल्लू को कहा था। हाँ, हम बल्लू को ना भी तो नहीं कह सकते ना, वरना वो बहुत दुखी हो जाएगा। सॉरी बालवीर, वो हम बल्लू लल्लू का दिल भी नहीं तोड़ सकते ना। मैं जानता हूँ। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सब बच्चे चाहते हो कि बालवीर कृष्ण लीला में कृष्ण जी बने, तो बालवीर ही बनेगा। अब बच्चों, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है। अगर बालवीर कृष्णा होता तो कितनी कमाल की होती हमारी कृष्णा लीला। चलो। चिंता मत कर, इस बार की कृष्णा लीला कमाल की नहीं, धमाल की होगी, वैसे ही जैसे तुमने पहले कभी देखी नहीं होगी। ये पूजा के सामान का लिस्ट तो तैयार हो गया महेश, सजावट का तुम देख लो। और बाजार से मिठाई लाने की जिम्मेदारी मेरी। अब मिठाई खाने की जिम्मेदारी मेरी। बापूजी, आप और रॉकी भैया जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी का पालना तैयार करेंगे। अरे हम लोग वही करने जा रहे थे। महेश किचन से भी कुछ सामान लाना, आप आइए मैं बता देती हूँ। रॉकी बेटा, ये झूला तो हिल रहा है। बापूजी, हिलता है इसीलिए तो ये झूला है। ए, मेरे कहने का मतलब है इसका ये पाँव है ना, पाँव ये देख, ये हिल रहा है बेटा, से खील टोक के ठीक करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, ये देख, ये मैं खील यहाँ पकड़ता हूँ, तू हथौड़ा ठोक देना। हाँ, इन बोलते ही हथौड़ा ठोक देना, लेकिन मेरे हाथों को देख के। एक, बाबूजी बाबूजी, चीटिंग है, आपने बोला था तीन, लेकिन अभी आप बोल रहे हो एक। चीटिंग? नहीं नहीं बेटा, चीटिंग नहीं है, मैं बोलूंगा एक दो तीन, तीन जब बोलूंगा ना तब तू ठोक देना, हा? लेकिन मेरे हाथों को देख के। एक दो तीन। क्या हुआ बाबूजी? क्या किया तूने? मैंने हथौड़ा मारा। अरे लेकिन मेरे हाथों में क्यों मारा? अरे बाबूजी, आप ही ने तो कहा था हाथों को देख के।
इसलिए मैंने हाथों को देख के मारा। अब मैं मारता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबूजी, आप ही तो कहते हैं कि बदले की भावना मन में रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ। अरे मैं बदले की भावना से नहीं मार रहा हूँ, मैं किले को यह हथौड़ा मारूंगा। अच्छा अच्छा, तब तक है ना तू मेरे लिए पेंट ले गया। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, हाँ? बाबूजी मैं पेंट ले आया। हाँ तो लगा दे। ओके। बाबूजी। महेश। हाँ बापूजी। हाँ बापूजी, क्या हुआ, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे बापूजी? बापूजी बापूजी, ये जन्माष्टमी का त्योहार है, आप होली की तरह इसे पेंट लगा के क्यों बैठे हैं? ये मैंने नहीं लगाया, रॉकी ने लगाया। रॉकी? अरे लेकिन बाबूजी ने कहा था मुझे कलर लगा दे, इसलिए मैंने लगा दिया। बाबूजी अगर आप कहेंगे तो बेचारा लगा ही देगा ना। भगवान मुझे उठा ले। बाबूजी इतनी छोटी सी बात के लिए आप भगवान जी को क्यों बुला रहे हो? महेश, रॉकी नीचे रख। ओके। सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी 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 सॉरी। बॉस क्या दिख रहा मैं जानता हूँ मेहर कि तुम सब चाहते हो कि बालवीर कृष्ण बने, और इसीलिए बालवीर ही कृष्ण बनेगा। मंटो, बल्लू, ऊपर स्टेज पे आ जाओ। हाँ सर, आ जाओ। यस। ऑल द बेस्ट। हाय। मंटो। हाँ सर। ऊपर आ जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बॉस। हाँ। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम कृष्ण और कंस का अंतिम युद्ध का दृश्य करेंगे, जहां पर कृष्ण कंस का वध करता है। तो शुरुआत करें? हाँ। वन टू थ्री। मैं करूंगा कृष्ण का वध। नहीं सर, मैं कृष्ण नहीं हूँ सर, मैं बल्लू हूँ। और वो भी तो कंस नहीं है सर, वो मोंटू है, और मुझे मोंटू से बहुत डर लगता है सर। सर मैं इस बल्लू लल्लू से हार जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे बेटा मगर तुम्हें कहाँ सचमुच में लड़ाई करनी है, एक्टिंग ही तो करनी है। अरे सर इस मोंटू को देख के मेरी सारी एक्टिंग निकल जाती है। सर अब कृष्ण किसी और से करवा लो। हाँ सर। मेल बस बस। अरे नहीं सर, मैं नहीं, 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 मैं नह
अरे ये तो भाग गया। सर ये बल्लू है ही लल्लू। मैंने वो कर दिया जो तुम सब चाहते थे। अब बालवीर ही कृष्ण बनेगा। अरे लेकिन अब क्या करें, बिना कृष्ण और कंस की लड़ाई के ये कृष्ण लीला अधूरी है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, हम बालवीर को बुलाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि वो कृष्ण बने। फिर उसे तो मोंटू से डर भी नहीं लगता, इसलिए मोंटू आराम से युद्ध कर पाएगा, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। क्यों मोंटू? बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर आ गया। आगे बालवीर जी, बालवीर जी। क्या हुआ बच्चों, तुम सबने मुझे बुलाया, सब ठीक तो है ना? नहीं बालवीर, सब कुछ ठीक नहीं है। बल्लू कृष्णा की एक्टिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए तुम ही... मैं अभिनय नहीं सिखा सकता बच्चों। अरे नहीं नहीं बालवीर, तुम्हें अभिनय सिखाना नहीं है, अभिनय करना है। वो बल्लू कृष्णा की एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब तुम्हें कृष्णा की एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन बल्लू फिर... अरे बालवीर, वो बल्लू तो मैदान छोड़ के भाग गया। हाँ। प्लीज बालवीर, प्लीज हमारे लिए करो। ठीक है, मैं कृष्ण का किरदार निभाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी की आज्ञा लेनी होगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है बालवीर। खुश रहो परियों, खुश रहो। रानी परी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? बालवीर? हाँ परियों, आपको यहाँ हमने नहीं बल्कि बालवीर ने बुलाया है। बालवीर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहीं कोई नया खतरा परिलोक की तरफ तो नहीं बढ़ रहा ना? अरे नहीं नहीं डरी परी, खतरे की कोई बात नहीं। मैं तो आपको यहाँ ये बताने के लिए आया हूँ कि पृथ्वी लोक पे बच्चे कृष्ण लीला कर रहे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि मैं कृष्ण बनूं। क्या? अरे वाह। बस इसलिए रानी परी मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। हाँ बालवीर, आपको हमारी आज्ञा है और आपको कृष्ण लीला में कृष्ण बनना ही चाहिए। अब देखिए ना बालवीर, आप में और भगवान कृष्ण में कितनी समानताएं हैं। समानताएं? लेकिन कैसे रानी परी? बालवीर, जैसे भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी थी, लेकिन उनका पालन पोषण माँ यशोदा ने किया, ठीक उसी तरह आपको जन्म देने वाली माँ कोई और थी, लेकिन आपका पालन माँ यशोदा की तरह बाल परी ने किया। हाँ बालवीर, भगवान श्री कृष्ण भी सबके प्यारे थे और आप भी सबके प्यारे। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परी, आप सबने मेरी उलझन दूर कर दी। अब मैं निश्चिंत होकर कृष्ण लीला में कृष्ण जी की भूमिका निभा पाऊंगा। हाँ बालवीर जाइए। रानी परी, इस बार पृथ्वी लोक पे बालवीर कृष्ण बनकर जा रहा है और जन्माष्टमी मना रहा है, तो हमें भी परिलोक पे जन्माष्टमी मनानी चाहिए और बालवीर को कृष्ण के रूप में यहाँ बुलाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है बाल परी, जन्माष्टमी के उत्सव से परिलोक भी जगमगा उठेगा। हाँ, तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत यहाँ पर परिलोक में एक बड़ा सा झूला बनाकर करें। हाँ नाराज परी, हमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। बाल परी, अब अपनी जादुई शक्ति से आप इस झूले को बादलों में बांध दीजिए। जी रानी परी।
डरी परी, हम इस झूले को जरूर सजाएंगे। नटखट परी, ये काम आपसे बेहतर और कौन कर सकता है? जी रानी परी। वाह नटखट परी, ये झूला तो बहुत ही सुंदर है। बालवीर, ये लो, ये तुम्हें बोलना है। ठीक है सर, शुक्रिया। अरे वाह, हो गया। मैं अभी तुम्हारे लिए कृष्ण की वेशभूषा का प्रबंध करता हूँ। हाँ? हाँ? मेरा मतलब है कॉस्ट्यूम का प्रबंध, आयोजन, अरे कॉस्ट्यूम का इंतजाम करता हूँ। नहीं सर, आपको कृष्ण की वेशभूषा मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कृष्ण जी का रूप ले लूंगा। Very good. चला,